आज हम बनाएंगे मिर्चे अदरक और लहसुन का अचार। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? हमने मिर्चा को पहले ही धोकर सुखा के छोटे छोटे भागों में काट लिया है। जितना मिर्च रहेगा उसे का आधा ही लहसुन और अदरक रहेगा। एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा और छोटा चम्मच जो है मेथी और उससे भी छोटा सा कलौंजी जी और अमचूर पाउडर, ये नमक। और हमने तेल को पहले ही गर्म करके रख लिया है और इसके बाद वह मिर्चा को थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाल के इसको फ्राई करेंगे। मिर्चे को हम एक चम्मच तेल डाल के या आधा चम्मच तेल डाल के इसको फ्राई करेंगे। लहसुन को जो है मिक्सी की जार में थोड़ा दरदरा पीस लेंगे और जो अदरक है उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। इस अचार में खट्टापन लाने के लिए आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं, ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब हम सौंफ को भूनेंगे। सौंफ और जीरा को हम एक साथ हल्का सा ड्राई करेंगे। अब इसमें हम ये मेथी और ये कलौंजी डाल देंगे ताकि इसका कच्चापन जो है थोड़ा निकल जाए। अभी चटकने लगा है तभी हमारा हो गया। अब इसे हम बंद कर देंगे गैस। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल छोटा चम्मच। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मिर्चा को इसे फ्राई कर देंगे। पकाई भी हो चुका है ताकि सब कच्चा पन थोड़ा निकल जाए। अब हम ये अदरक को कद्दूकस करेंगे और लहसुन को मिक्सर के जार में दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसे दरदरा पीस लेते हैं मसाले को। तो अचार बनाने के लिए हमने मिर्चा को हल्का फ्राई कर लिया है और इसे अदरक को जो हमने कद्दूकस कर लिया है और जो सौंफ जीरा मीठी कलौंजी थी उसे हमने मिक्सी के जार में पीस लिया है और लहसुन को भी हमने दरदरा मिक्सी के जार में चला दिया। आप चाहते तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में से तैयार करते हैं। हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक सब इसमें मिक्स कर देते हैं और इसमें अब हम ये जो मसाला लिए हैं उसमें डाल देंगे, डाल के मिक्स कर देंगे। मसाला डाल दिया है और इसमें हम नमक डाल देंगे और ये अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर घर पे ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं और इसमें ये तेल को हमने गर्म किया था तो ठंडा हो चुका है, इसमें मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा कलर के लिए आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और शिमला मिर्च, लाल मिर्च, जिससे आपका थोड़ा सा कलर आ जाएगा। और इसे ये बनके आपका रेडी है। एक या दो दिन से इसे धूप में दिखा दीजिए, धूप में रख दीजिए, इसके बाद आपका ये अचार रेडी है।